गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर साइंस क्लास फॉर सिक्स्थ क्लास. ओके, विच क्लास? साइंस क्लास फॉर सिक्स्थ क्लास. ऑलरेडी वी स्टार्टेड अवर लेसन. ओके ओके, वॉट इज़ अवर लेसन नेम? सेवन्थ लेसन, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. ओके, इन प्रीवियस क्लास वी कंप्लीटेड फ्यू ऑफ द टॉपिक. टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक. Okay, in previous class we discussed about the hand picking method, winnowing method, and today we are going to start our second activity. So that is sedimentation and decantation. So you will find that the sand and the mud particles in the soil settle down at the bottom of the glass tumbler. They are called sediments. This process of separation of mud and sand is called sedimentation. So yahan pe sedimentation matlab kya hai? Thoda sand. Sand matlab kya hai? रेत और थोड़ा मड. मड मतलब क्या है? मिट्टी. ये पार्टिकल्स क्या है? बॉटम ऑफ द ग्लास के अंदर डालने के बाद, उसके ऊपर वाटर डालने के बाद क्या है, वो सेडिमेंट्स पूरे सेटल हो जाते हैं. जो सैंड और मड के पार्टिकल्स रहते हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं. ओके, सो वो उसको क्या बोलते हैं, जो सेटल हो जाते हैं उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं. वो सेडिमेंट्स नीचे सेटल होने के बाद उसको सेपरेट करते हैं. जैसे वाटर डालते हैं ना, वाटर से फिल्टर पेपर से सेपरेट करने के बाद वो प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं. ओके, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मड एंड सैंड इज कॉल्ड एज एन सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट हियर डीकैंटेशन. After sedimentation, the tumbler is gently lifted. The tip of the tumbler is inclined on the large edge of the another tumbler without disturbing the sediments. The water gets separated from the sediments. This process is called as a decantation. So after sedimentation, the sediments are settled at the bottom of the glass. So what happened? जैसे वो bottom में sedimentation का process होने के बाद क्या है, sand and mud particles glass के नीचे पूरे जमा हो जाते sediments. So उसको क्या करना है, और एक glass के अंदर water प्योरीफाई करना है. नेक्स्ट ग्लास में वो डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसा नेक्स्ट ग्लास में पोर करना है. यू कैन सी हियर, सो द सेडिमेंट्स विच आर सेटल डाउन एट द बॉटम, दैट इज कॉल्ड हैज एन डीकैंटेशन. सो सेडिमेंटेशन इज सेपरेशन ऑफ सैंड एंड मड पार्टिकल्स, एंड इट इज एन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स वी आर सेपरेटिंग द वॉटर फ्रॉम द वन ग्लास टू अनदर ग्लास, दैट इज कॉल्ड हैज एन डीकैंटेशन. ओके, नेक्स्ट सीविंग एंड फिल्ट्रेशन. You must have seen floor being sieved in the kitchen. The floor particles are fine and pass through the holes of a sieve, but the husk particles being large are left on the sieve. So how we are separating the husk particles from the floor. What do you mean by floor? Floor मतलब क्या है यहाँ पे? आटा. आटे को फ्लोर बोलते हैं. सो अपन आटे को कैसे सेपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी है उसके अंदर पार्टिकल्स, जैसे बड़े बड़े पार्टिकल्स रहते हैं हस्क पार्टिकल्स, बाई यूजिंग द सीव. यहाँ पे छन्नी यूज़ करके क्या करते, ये इसको हस्क पार्टिकल को सेपरेट करते. ओके, नेक्स्ट. Can you separate mud from the muddy water using a sieve? How small should the pores of the sieves be to do this? Use a cloth as sieve and try to do this. Is the water clear after sieving? So how we are separating the mud water? We are separating the mud water by using an cloth. Okay, by using an cloth we are separating the mud water. Okay, next here, crystallization. What is a crystallization here? Heat some salt water in a beaker over a flame. Stir the solution with a glass rod. Continue heating till the water on the beaker has evaporated. What is the left behind the dish? You will find salt and crystals powder in the dish. So what happened? जैसे अपन एक glass beaker है, उसके अंदर water डाल के और salt या sugar solution डाल के इसको stir कर रहे. Stir कर रहे मतलब है इसको continuously हिलाना उसको. ओके, सो हाई फ्लेम पे ग्लास के ऊपर रखने के बाद सो क्या होता है, वहाँ पे कम्प्लीटली स्टिर हो जाता. जो भी हो अपन साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन डाले कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाता. एंड लेफ्ट बिहाइंड इन द डिश यू विल फाइंड द क्रिस्टल्स एंड पाउडर इन द डिश. और अपन इसके अंदर क्या मिलता है अपने को, पाउडर. इसके अंदर पाउडर पूरा क्या है, मिक्सअप हो जाता. एंड लास्ट में क्या फॉर्म होता है अपने को, वहाँ पर नीचे क्रिस्टल्स एंड पाउडर विल बी फॉर्म इन द डिश. Next, do you know water is generally evaporated in the sunlight? We use this property while extracting salt from seawater. Seawater is captured in white pans and it is exposed to air and sunlight. Then water evaporates and the salt is left behind in the pans. So how the salt is getting from the
from the seas and oceans we are getting the salt. So water is generally evaporated in the sunlight. What happens when the sunlight is more, the water isn't generally evaporated, and these property extracting salt from the seawater. While evaporation, the salt is extracted from the seawater. So seawater is captured in wide pans and it is exposed to the air and sunlight. So sea water kya hai, bade bade pans rehte hain, large wide pans, uske andar capture karke aur dhoop ko rakh dete ho, dhoop ko aur hawa ko rakh dete ho. Then water evaporates. Iske baad water evaporate hone ke baad, water pura evaporate ho jane ke baad, wahan pe kya left hota, only salt bache hua rehta pans mein. Okay, next here distillation. Before administering injections to patients, doctor mix injection powder with some liquid. What is it? It is a water or any other liquid. This water, and it is also, it is known as a distilled water. Where does the distilled water pure come from? सो वॉट इज़ अ डिस्टिलेशन हियर मीन्स हैव यू ऑब्जर्व, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं इंजेक्शन देने से पहले एक सरम लेते हैं, सरम वो पाउडर है ना, पाउडर के अंदर मिलाने से पहले एक वाटर से पहले उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, मिक्स करते हैं, वो इंजेक्शन का पाउडर जो है वो वाटर से मिक्स करते, वो एक लिक्विड रहता है, तो वो वाटर को क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर. ओके, गेट योर ओन डिस्टिल्ड वाटर. सो वॉट इज़ द हाउ द डिस्टिल्ड वाटर इज गेटिंग, नाउ वी कैन सी द प्रोसेस. Fill a conical flask with water, close it with a cork having a hole. Insert a glass tube through the hole. Take another conical flask with a cork having a hole and insert another glass tube through it. Connect both tubes with a rubber tube. Now heat the flask containing water using a Bunsen burner. After some time, water vapor goes into the second conical flask through the glass tube. The water vapor will slowly turn to the water. The water in the second conical flask is called distilled water. It is free from impurities. Is how we are getting the here distilled water. So firstly, what we are taking here, one conical glass, in that we poured in some water here down here, already Bunsen burner, yahan pe kya hai, already फायर है नीचे, यहाँ पे क्या है, क्लोनिकल फ्लास्क, इसके अंदर वाटर है. एक क्लोनिकल फ्लास्क को क्या है, एक पाइप, एक रबर ट्यूब, दिस इज कॉल्ड हैज एन रबर ट्यूब इज एंड फिक्स्ड इनटू एन अनदर क्लोनिकल फ्लास्क. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्यूब है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, रबर ट्यूब. सो यहाँ पे इसको क्लोज कर देना, किससे क्लोज करना है, रबर होल, वन होल रबर, एक होल का जैसा रबर है ना, जैसे ट्यूब बीच में डाल के रबर से इसको पैक कर देना. उसके बाद क्या है, थोड़ी देर के बाद ये हीट होता है, यहाँ पे बंसन बर्नर ऑन करने के बाद ये वाटर हीट होता है. ये वाटर हीट होने के बाद जितना भी एवोपरेट है, वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर, ये अनदर फ्लास्क में ये रबर ट्यूब के थ्रू नेक्स्ट क्लोनिकल फ्लास्क में एंटर होता है. सो ये वाटर जो ऑप्टेन होता है, एवोपरेट है, सो इसको डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड हैज एन डिस्टिल्ड वाटर. ओके, रिमेनिंग टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेसन, एंड योर होमवर्क इज यू हैव टू ड्रॉ दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस. ओके, वन टाइम एंड सेंड द होमवर्क. थैंक यू.